नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन, मैं हूं आपके साथ कनिका। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुरैना की, जहां पर लोकसभा चुनावों को लेकर आरटीओ विभाग ने वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान बिना मेंटेनेंस और कागजात वाले वाहनों को थाना परिसर में रखवा दिया गया। वहीं जिन वाहनों पर रोड टैक्स बाकी था उन पर भी बड़ी कार्रवाई इस मौके पर की गई। मार्च का महीना अभी ये अवैध वाहनों की जो चेकिंग कार्रवाई चल रही है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में क्या है, ऊपर से रोड टैक्स हो, जिन गाड़ियों बकाया है या बिना परमिट चल रही है या अवैध संचालित हो रही है किसी भी तरीके से, चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार गाड़ियों के स्कूटर है, नेम प्लेट है या उसमें जो है जिसका नंबर नहीं सही दिखाई दे रहा है या नंबर प्लेट नहीं है और जो गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है, इन गाड़ियों के विरुद्ध लगातार चेकिंग कार्रवाई चल रही है। ये चेकिंग कार्रवाई मार्च के शुरुआत से ही चल रही है, जबकि लेकिन अभी तक काफ़ी लगभग जो है काफ़ी गाड़ियाँ जब्त की जा चुकी हैं सभी थानों में, चौरा में, कैनरा में, अब एक जहाँ चेकिंग में गाड़ी मिल जाएगी जब्त की जाती है। ये गाड़ी लगभग 28,000 में बकाया है और उसके अलावा परमिट उसके पास नहीं है। उत्तर प्रदेश के हसनपुर की बात करते हैं, जहां पर पुलिस पर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि इस दौरान काफी देर तक पुलिस के साथ लोगों की नोकझोंक भी हुई। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने साफ कहा कि अगर जल्द ही दीपचंद्र के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे आगामी चुनावों का बहिष्कार कर देंगे। तो खड़गवंती समाज के लोगों ने उस बच्चे को इतना पीटा, लाठी डंडों से पीट पीट कर मार दिया, बिल्कुल उसकी हत्या कर दी। उसके बाद परिवार के लोग वहाँ पहुँचे, उसको लेके जाने लगे कि हम अस्पताल ले जा रहे हैं, इलाज कराएंगे, इसका सही हो जाए, क्या पता जान हो। तो पूरे गांव के खड़गवंती समाज के लोग रास्ता रोक लिया, घेर लिया उन्हें कि आप नहीं यहीं यहीं रहो, फैसला कर लो, पैसे ले लो। और ये हत्या, निर्मम हत्या इस तरह से अगर भाजपा के शासनकाल में और इस तरह से होगी तो लोग कैसे जीवित रहेंगे, कैसे सुरक्षित रहेंगे। तो हमारी प्रशासन से मांग है, 3 दिन हो गए हैं इस हत्या को हुए, अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इतना लेजी शासन चल रहा है, प्रशासन इतना ढीला है, बिल्कुल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे तो कोई भी किसी को मार देगा। प्रशासन क्यों गिरफ्तारी नहीं कर रहा, क्या मामला? हमें तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जो विधायक हैं महेंद्र खड़गवंती, उनका बहुत भारी दबाव है, इसलिए प्रशासन काम नहीं कर रहा है। परिवार के लोगों से पूछ रहा है कि बताओ मुलजिम कहाँ है। अरे परिवार के लोगों को पता होता मुलजिम कहाँ है तो हम तो उन्हें ढूंढ के पकड़ के ला के दे देते। प्रशासन क्यों है, किस लिए काम कर रहे हैं आप लोग? अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन धरना लगाएंगे, और उससे भी अगर नहीं हुआ तो पूरा प्रजापति समाज चुनाव का बहिष्कार करेगा अमरोहा जिला में। दिनांक 17 तारीख को बाईखेड़ा में दीपचंद कैलाश की हत्या कर दी गई थी। उस दिन पुलिस ने सूचना पर पीएम के लिए उसको भेजा था। पीएम की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है, जैसी पीएम की रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी पीएम की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। सब यकीन रखें कि नियमानुसार सब सही कार्रवाई होगी और जो भी दोषी होंगे वो सलाखों के पीछे होंगे। थाने के बाहर धरने बैठे, क्या वजह है जो धरने? ये वजह में लड़का मार दिया परसों खड़गवंशियों ने प्रजापतों का, उसको सुनवाई कोई नहीं कर रहा। 3 लाख आ गए थाने के अंदर, किसी ने सुनाई, नोट ले रहे हैं अपने, चुप रह रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, घर पे रखा रहे हैं, मेरे घर रखाओगे कि उन्हें पकड़ोगे? उनकी पकड़ने कोई सुनवाई नहीं है, सब सामान को भर के लेके जा रहे हैं, पहुँचा रहे हैं, बस कुछ नहीं हो रहा। तो आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई? आप रिपोर्ट बोर्ड की कोई सुनवाई नहीं है। क्या कह देते हैं अधिकारी? अधिकारी ये कह देते हैं हाँ होएगा होएगा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो यहाँ थाने पर कब तक धरने पर बैठेंगे? कब तक बैठेंगे? जब तक भर भर का पहुंचा दिया, जब तक ना जाएंगे, जब तक सुनवाई नहीं, जब तक रोज आती रहूंगी, हाई देंगे, धरना देंगे, हाई जान खो दूंगी अपने। मैं लड़का की खोगी तो मेरी भी चली जाएगी, तो कोई परवाह नहीं है, लड़के से ही सब कुछ है। दुनिया लड़कों को जनती है, पालती है, इसीलिए पलती है। मेरे बुढ़ापे में काम आएंगे। और वो यूँ कह रहे हैं, वो यूँ कह रहे हैं ना, जो हमने एक मार के ना हो, कुछ दो मार दिया, हमारा कुछ ना होएगा। वो कितनी भी भजली, कितने धन्ना दे दिया, उसकी जमीन बेचनी पड़े। मुझ पर तो जमीन नहीं है जो बेच लूंगी, मुझ पर तो घर मरिया नहीं है जो बेच लूंगी, मेरे तो खाने का हक नहीं है जो मैं बेच के खा लूंगी, बेच के लगा दूंगी। प्रधान भी मेरे साथ ना आया, अकेला लेकर आई उद्दीन में। अब प्रधान उनका, विधायक उनका, सब कुछ उनका, मेरा कौन है? मेरी प्रजा है, भगवान है, धरती मान है, कुछ नहीं करता मैं। विधायक जी के पास नहीं गए?
विधायक के पास जाकर तो विधायक के तो सजा लिया है, विधायक के तो खुद आते हैं, मैंने तुम्हें किन्हें बुलाया, खुद गए तुम्हें दरदाता, खुद गए विधायक में दौड़े जाते, विधायक के तो सजा लिया, कैसे चले जाएंगे मेरे पास, मैं जाने लायक काबिल होती मैं जल्दी तो जाऊँ। अरे खाने की होम डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमैटो और स्विगी कंपनी का धर्मनगरी हरिद्वार के लोगों ने विरोध किया है। बताया जा रहा है कि नगर निगम क्षेत्र में प्रतिबंध के बावजूद मांसाहार परोसा जा रहा है, जिसका लोगों ने विरोध किया है। तो एक धार्मिक क्षेत्र है, पूरे विश्व में हरिद्वार की एक धार्मिक पहचान है, और अभी जिस तरह से पता चल रहा है कि ये जो कंपनियां इस तरह के काम कर रही है, जो धर्म नगरी के अंदर ऑर्डर करने पर मांस को अंदर लेके आती हैं, यहाँ पे एक नगर सीमा क्षेत्र बना हुआ है, उस क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी मांस मदिरे का सेवन करता है तो ये धार्मिक रूप से भी एक बहुत बड़ी क्षति है देश के लिए। और ये विदेशी कंपनियां जो लगातार ऑनलाइन के ऊपर लगातार इस तरह के काम कर रही हैं, इनकी हम घोर निंदा करते हैं, ये बहुत ही गलत कार्य है और इससे हमारे धर्म को बहुत नुकसान हो रहा है। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि पहले नगर निगम क्षेत्र के अंदर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित था, मुसलमानों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, उसके अलावा धर्म नगरी के अंदर मदिरा का सेवन जो है वो बढ़ता जा रहा है, हर की पौड़ी क्षेत्र में आपको आराम से मदिरा मिल रही है, प्रशासन को लगातार कहने के बावजूद प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंग रही है, तो कहीं ना कहीं धर्म नगरी के नागरिकों को इकट्ठा होना पड़ेगा, उसके बारे में कहीं ना कहीं एक उग्र आंदोलन की सख्त ज़रूरत है। यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने आप भी आप इस चीज़ को मान के चले कि आप धर्म नगरी के वासी हैं, माँ गंगा के तट पर रहते हैं, आपको इन सब चीज़ों का सेवन अगर करना ही है तो क्षेत्र के बाहर जाके कहीं भी ज्वालापुर क्षेत्र जिसको कि आज़ाद कर रखा है सरकार ने, वहाँ जाके कर सकते हैं। कंपनियों के ऑर्डर के ऊपर जब ये अपने शहर में आ रहे तो बहुत बड़ी नुकसानदायक चीज़ है, और मैं अपने शहरवासियों को भी कहना चाहूँगा इस तरह के ऑर्डर आप कृपया किसी भी कंपनी को ना करें और खुद भी इन चीज़ों से बचें। जबलपुर में छत्तीसगढ़ के कवर्धा से 50 लोगों के जत्थे के साथ आई 50 साल की महिला पैर फिसलने के चलते धुआंधार में जा गिरी। महिला के गिरते ही वहां तैनात भेड़ाघाट थाने के पुलिस आरक्षक हरिओम और उसके साथियों ने तुरंत नदी में छलांग लगाकर महिला को बचा लिया। नदी से निकालने के बाद महिला को तुरंत ही इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पाइन ड्यूटी पर तैनात था, भेड़ाघाट धुआंधार में एक महिला नहाते वक्त पैर फिसलने से धुआंधार पे गिर गई। जैसे धुआंधार पे गिरी तो मेरी नजर उस पर पड़ी, मेरी नजर जैसे ही पड़ी तो मैंने 2-4 तिराग लेके जल्दी से धुआंधार में छलांग लगाया, छलांग लगा के नीचे उतरा, नीचे उतर के महिला को जैसे तैसे तैर के पकड़े, पकड़ने के बाद में उसको बाहर निकाले। इससे पूछने पर ये इन्होंने बताया कि हम 50 लोग का जत्था छत्तीसगढ़ कवर्धा से रामेश्वरम एक महीने की टूर पे गए थे, जो रामेश्वरम से वापसी समय भेड़ाघाट घूमकर नहा धोके अपने घर छत्तीसगढ़ जा रहे थे, जे महिला का पैर फिसलने से धुआंधार में गिर गई, जिसे सकुशल बचा लिया गया है मेरे और मेरे साथी द्वारा। हरिद्वार पुलिस के लिए होली पर्व के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में काफी बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। आपको बता दें कई साल से हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र के आसपास ग्रामीणों में होली पर्व के दौरान आपसी संघर्ष सामने आ चुका है। इसी के मद्देनजर त्योहार को सकुशल संपन्न कराने को लेकर कई गांव के लोगों के साथ पुलिस ने बैठक कर शांतिपूर्ण रूप से त्योहार मनाने की अपील की है, और साथ में विधानसभा चुनाव भी है तो उस उपलक्ष्य में शांति समिति की बैठक करी गई थी। इसमें क्षेत्र के जो मौजूद लोग हैं उनको बुलाया गया है, और इसमें अगर किसी के इश्यूज हैं उस संबंध में बात की जाएगी और की जा रही है, और होली से संबंधित जो तैयारियां हैं पुलिस का बंदोबस्त है और जो पुलिस की अपेक्षा है लोगों से वो बताया गया है, और बाकी मेरी तरफ से हिदायत दी गई कि किसी प्रकार का झगड़ा ना हो और होगा तो इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी की रियायत नहीं पड़ती है। सीतापुर में नैमिषारण्य की तपोभूमि मिश्रिख 64 कोसी परिक्रमा के उपलक्ष्य में आज स्वामी धर्मदेव प्रभाकर यादव पंडाल द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां दूर दराज से आए हुए संत महात्माओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं इस मौके पर अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और सीतापुर जनपद के जिला अध्यक्ष सहित तमाम संगठन के कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। क्या मुख्य उद्देश्य है यादव महासभा के कार्यक्रम जी? आज का जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है ये हमारे गैर राजनीतिक एक सामाजिक संगठन अखिल भारतवर्ती यादव महासभा का ये संगठन है, जिसका ये महासभा पंडाल महासभा के माध्यम से यहाँ हुआ है। ये आपकी जो मिश्रिख है बहुत ही पौराणिक धार्मिक नगरी है, यहाँ के एक अलग इतिहास है, तो हम चाहेंगे उत्तर प्रदेश में
महासभा के लोग, हमारे यादव समाज के लोग एकत्र हों, एकत्रित हों और जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको मिटाने काम करें। साथ साथ हमारा जो सामाजिक उत्थान है, शैक्षिक क्षेत्र में है, व्यवसायिक क्षेत्र में है और इन सारे क्षेत्रों में आगे बढ़कर के हिस्सा लें। आज हमारे जो मेधावी छात्र आए, जिन बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उनके उत्साह वर्धन के लिए हमारे जिला यादव महासभा के सुरेश यादव ने, तमाम के साथियों ने उनको प्रोत्साहन के लिए एक जो पुरस्कार दिया है, प्रशस्ति पत्र दिया है, वो अपने आप में एक अनूठा काम है। इस तरह काम होना चाहिए ताकि इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिले और जो देखते हैं इस तरह की वो समझें कि अगर हम ऐसा करेंगे हमें वैसा सम्मान मिलेगा। आज उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो हमारे समाज के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। बड़े बड़े अच्छे अधिकारी हैं, जो योग्य अधिकारी हैं, वो हाथ पड़े हुए हैं। अभी हमारे यहाँ पता लगा कि 5 लोगों के खिलाफ FIR हो गई है। आगरा में एक डे लाइट मर्डर हुआ, आज तक उसका खुलासा नहीं हो पाया है। तो जहाँ जहाँ उत्पीड़न हो रहे हैं समाज के लोगों को, हमारी महासभा के लोग उसमें संघर्ष करेंगे और ये उम्मीद करेंगे सरकार से कि समाज के लोगों का उत्पीड़न बंद हो, वरना हमारे लोग संघर्ष करना जानते हैं और ऐसे मामले का प्रतिवाद करना भी जानते हैं। आने वाले आगामी चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो आसन्न चुनाव है लोकसभा का, मैं तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हूँ, आप जानते हैं, इसमें ये चुनाव जो हो रहा है, ये सरकार की विफलता जो रही है 5 साल में, जो मोदी सरकार ने वादे किए थे बनने के बहने, 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों को 2 गुनी आय करेंगे और एक सामाजिक तमाम संदेश देने काम किया था, वो तो कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग सब समझ रहे थे, आप भी सब समझ रहे होंगे कि जब चुनाव आएगा 2 चीज़ें होंगी, क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे 3 चीज़ें रही हैं, राम मंदिर, कामन कोटा बला और धारा 370। आज तो पूरा नहीं हुआ, इतने सत्ता लोलूप हैं कि उन्होंने जाके PDP जिसके खिलाफ आरोप लगते रहे हैं कि संरक्षण करती है आतंकवादी, उनसे सरकार बना ली, तो ना धारा 370 खत्म हुई, ना मंदिर कोई बात आई, मंदिर मार सुप्रीम कोर्ट, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके ये पाकिस्तान के इशू है। मान लो कोई इशू हुआ है तो सारा विपक्ष, सारा देश एक साथ है, वो सरकार के साथ है, वो पार्टी का दलगत मामला नहीं है। हम सेना के 100 साथ खड़े होंगे, सेना 100 साथ खड़े हुए, उसका राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? अभी हमने देखा प्रधानमंत्री ने जा करके वहाँ पे राजस्थान में और बिहार में इसका श्रेय लेने प्रयास किया, वो निंदनीय है। जो हमारा उत्तर प्रदेश में गठबंधन बना है, सपा बसपा का एक मजबूत गठबंधन है, एक सोशल इंजीनियरिंग का समीकरण है। और आपको याद होगा, फिर याद दिलाएं, 1993 में जब सपा बसपा गठबंधन बना था तो एक नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा मुड़ गए जैसीराम, और काशीराम को पहले पहल माननीय नेताजी ने सांसद बनाने काम किया थे दावा। तो ये BJP लोग घबराए हुए हैं, दहशत में हैं, इसीलिए सारी स्थिति कर रहे हैं। निश्चित रूप से गठबंधन उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, हम 70 से 75 भी स्थान प्राप्त करेंगे और बाकी से जो BJP की थी, कांग्रेस जिसकी, उसके बाद आप जान रहे हैं। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम का हमारा जो उद्देश्य है, शैक्षिक क्षेत्र में छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करना। जिस बच्चे को हम लोग हाई स्कूल में सम्मानित करते हैं, वो बच्चा निश्चित प्रयास करता है कि इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी वो फर्स्ट क्लास पास हो, और उन बच्चों को देख करके अन्य भी बच्चे इस तरफ आकर्षित होते हैं और शैक्षिक क्षेत्र में उन्नत कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो यहाँ दूसरा कार्यक्रम होता है, संत विद्वान लोग यहाँ समाज को जागृत करने का काम करते हैं, पूरे 5 दिन ये कार्यक्रम चलेगा और मंच से समाज में समाज की दशा दिशा उस पर चिंतन मंथन संत विद्वान करते हैं, जिससे हमारा समाज, और केवल यादव समाज ही नहीं, यादव पंडाल इसका नाम जरूर है, यहाँ पे 80,000 लोग एकत्र होते हैं जिसमें सभी समुदाय के लोग होते हैं, सब बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। आप लोग कितने दिनों से कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं जी? कितने दिनों से कार्यक्रम करते चले? ये 71वां कार्यक्रम है। आज के 71 वर्ष पूर्व हमारे समाज के पूर्वजों ने, जिसमें प्रथम नींव जो रखी स्वामी धर्मदेव प्रभाकर जी ने, इस पंडाल को चलाने के लिए बहुत संघर्ष किया। उसके बाद तमाम हमारे संतों ने, पूर्वजों ने इसको अपने खून पसीने से सींचा है और आज ये स्वामी धर्मदेव प्रभाकर यादव पंडाल इतना विशाल रूप ले चुका है। इनमें तमाम संत महात्माओं का योगदान रहा है। थैंक यू।
पानीपत के बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट मामले में पंचकुला स्थित एनआईए की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान एनआईए कोर्ट की ओर से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जवाब दाखिल किया। समझौता ब्लास्ट मामले में पाकिस्तान के जो गवाह थे उन्हें अदालत ने समन जारी किया था। पाकिस्तान दूतावास के माध्यम से जिला अदालत ने गवाहों को समन भेजा था, लेकिन दूतावास ने गवाहों को समन नहीं दिया। So now what are you bringing for the dismissal of the application? We will bring the facts to the honorable court to decide it in according with the law. So you have left it to the court to decide? Obviously, we are assisting the honorable court in this case. Sir, थोड़ा हिंदी में बता दीजिए क्या हुआ? थोड़ा सा बता दें please. हिंदी बता दिया और assist कर दिया court को कि what was the effort which has been taken by the जो कोर्ट ने ये थे समन समन करने के लिए, तो उसको उन्होंने पूरा आगे ले जाके कहाँ कहाँ लेकर गए थे। पाकिस्तान हाई कमीशन तक उन्होंने पहुँचाया था, वहाँ पर थ्रू इस्लामाबाद इंडियन उन्होंने पहली बार 4 महीने का समय मांगा, रिस्पॉन्ड किया पहले समन को, उसके बाद फिर 3 बार समन दोबारा भेजे गए 4-4 महीने की डेट पर, उसके बाद उन्होंने कोई भी उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो एफर्ट्स सारे करने के बाद जब उन्होंने देखा कि ये गवर्नमेंट नहीं अगर पाकिस्तान की कर रही है, तो अल्टीमेटली मोर ओवर तो एप्लीकेंट जो आज लगी थी वो हमने ये भी बता दिया कि वो साइटेड विटनेस में नहीं है, 13 पाकिस्तानी विटनेस में उसका नाम नहीं है। राहिला का नाम उसमें नहीं है, राहिला का नाम और जो दो लोग और थे सर उसमें उसमें और कोई नाम नहीं था, उतने वो नाम जी। नहीं अपडेट क्या लगा 20 मार्च के लिए जी। एनआईए का क्या स्टैंड है सर इसमें? नहीं एनआईए क्या इसको अपोज कर रही है क्या एप्लीकेशन को? बता तो दिया मैंने सारा। नहीं आपने कहा आपने पिछली बातें रखी हैं उसमें कि हम पूरी तरह से रख चुके हैं सारा, तो वही है ना बातें सारी रखी हमने जो कोर्ट का जो कोर्ट को असिस्ट कर दिया कि व्हाट हैज बीन हैपन, तो बाकी कोर्ट डिसाइड कर देगी। हाँ कोई बात नहीं, मेरा नाम मारूफ है, मैं भैसानी रहता हूँ, भैसानी इस्लामपुर रहता हूँ, मैं रेले बाम्बू लाला जी थोड़ा सा पीछे आ जाओ मैं आ रहा हूँ मैडम, यार 2 मिनट चुप रहा है यार, जल्दी भैसानी इस्लामपुर सामने देख के जी, इस्लामपुर कहाँ पड़ता है? दिल्ली में सामने पड़ता है, सामने देख के बड़ा थन भवन पड़ता है भैसानी इस्लामपुर। आप क्या कहना चाहेंगे सारे मामले में? सर वो तो सरकार ही जानती है क्या करते हैं, सही बात हमारे वकील साहब जानते हैं। अच्छा आपके परिवार से किस किस की मौत हुई थी इस हादसे में? और कैसे सब 68 आदमी थे? हाँ जी वो 68 आदमी थे। आपके परिवार का कौन था? हमारा बहन भाई था जी। क्या नाम था? वकील नाम था, रहला का अबू था। तो आज आपने कुछ कोर्ट में कहा है आपकी तरफ से? नहीं नहीं मैंने मैं कुछ पूछताछ नहीं, मैं से पूछते मैं बताता। जैसे 10-12 साल निकल गए इससे पहले कभी नहीं आया आप? मामला तो हिंदुस्तान में आप रहते हैं, हमें बताया नहीं जगह बताया देश में अखबारों में सर, हमें बताया नहीं किसने कुछ नहीं बताया, मतलब हमारे पर रिपोर्ट तक नहीं पहुंची सर सामने। ठीक है थैंक यू सर। इधर लगा ये बाइक पकड़ रहा है उमंग उमंग उमंग। अरे थोड़ा किस तरह की कार्यवाही रही है? देखिए सबसे बड़ी बात है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मैटर है। मैंने ऑनरेबल कोर्ट को मैं यही कहा कि सर मैंने ऑनरेबल कोर्ट से यही सजेशन की, यही गुजारिश की कि देखिए सर ये पीड़ित लोग हैं और ये भारत में भी जो वही लोग लेके आते हैं जो भारत से रिलेशन जिनके हैं या जो मुहाजिर लोग होते हैं उनकी उनके लिए वहाँ भी मुहाजिर उनको कहा जाता है, यहाँ भी इनके लिए प्रॉब्लम है। तो आप इन लोगों को एक मौका दीजिए, एक अपॉर्चुनिटी दीजिए, जो डॉक्यूमेंट्री जितने भी प्रूफ थे कम से कम आप देखिए कि 2.5-3 घंटे बहस लगातार हुई है और मैंने एक एक डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम के डॉक्यूमेंट्स दुनिया भर के और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डॉक्यूमेंट 60 जेलों के डॉक्यूमेंट्स जो मैंने 2010 से लेके और अब तक भी जेलों में तलाश कर रहा 60 जेलों के डॉक्यूमेंट्स मैंने कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट में दिए हैं और उसके बाद मैंने ऑनरेबल कोर्ट को दिखाया है कि कैसे 2010 में रायला वकील के फादर को एक बार डेथ डिक्लेयर कर दिया गया और फिर जब हम उसका कंपनसेशन मांगते हैं रेलवे के थ्रू तो फिर एक दोबारा एक एनआईए का लेटर आता है उसके अंदर 2012 के अंदर दोबारा ये कहा जाता है कि उसका नाम लिस्ट में नहीं है। तो ये मैंने ऑनरेबल कोर्ट को बताया कि देखिए ये डबल स्टैंडर्ड हो रहा है और ये कहाँ पर गलती ये चूक हो रही है। हम उनकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहे, हम उन्हें सलूट करते हैं, वो बहुत अच्छी एजेंसी है, लेकिन ये चूक कहाँ हुई है? कहाँ एक बार एक व्यक्ति को डेड डिक्लेयर किया जाए उसके बाद 2 साल के बाद उसको उसका नाम कहा जाए कि ये जब हम उसका मुआवजा मांगे रेलवे से तो ये कह दिया जाए कि नहीं ये जो है उसका लिस्ट में नाम नहीं है।
मैंने सर कॉन्ट्राडिक्टी आ रही है, तो इसलिए राहिला वकील का बयान यहाँ पर ये होना, उनकी गवाही होना बहुत जरूरी है। उनके फादर का कंफ्यूजन अब तक है और वो शाहजहांपुर में डीएम और एसपी ने थाना आरसी मिशन क्षेत्र में निकलने वाले छोटे लाट साहब जुलूस के मद्देनजर पुलिस अफसरों के साथ रूट मार्च किया। इस दौरान उन्होंने सराय काया तिराहे पर गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए जुलूस में सहयोग बनाए रखने एवं घटनाओं की सूचना तत्काल दिए जाने की अपील भी की। होली की तैयारी की जा रही है और कितना फोर्स तैनात किया गया है शाहजहांपुर में? देखिए शाहजहांपुर की यात्रा की होली बहुत जरूरी है और इसमें तैयारियाँ पूरी मुकम्मल कर ली गई है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फोर्स है, आज एरिया डोमिनेशन करके लोगों को सेंसिटाइज किया गया है और इसमें जुलूस को हम लोगों ने 12 सेक्टर में बांटा हुआ है और 4 दिन पूरी तरीके से तैयारी पूरी कर ली गई और ऐसे हमारे इस बार कुछ लाटसा में तब्दीली की गई, क्या उन्हें जाल में रखा जाएगा? देखिए ये तो आयोजकों का जो परंपरागत रूप से होता है त्यौहार उत्तर प्रदेश के हसनपुर में फर्जी डॉक्टरों का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। झोलाछाप डॉक्टरों की वजह से एक बच्चा मां से जुदा हो गया। खबर मिलते ही पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया। किसी ने हल्का हल्का दर्द था तो ये जैसे यहाँ अंदर आस आई थी हमारे गांव में तो यहाँ इन्हें दिखाई, ये बोले पहले अल्ट्रासाउंड करा के लाओ, तो अल्ट्रासाउंड कराया, ये बोले कोई दिक्कत नहीं है डिलीवरी होगी। हम बोले अगर डिलीवरी सही तरीके से हो तो बताओ, अगर नॉर्मल हो तो, ये बोले गारंटी है, फुल गारंटी है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी शाम तक। फिर उसके बाद इन्होंने ब्लड चेक कराया, ब्लड चेक कराने के बाद बोले ब्लड लगेगा। मैं बोला ठीक है, तो मैं बोला ब्लड मंगा लो, बोले पैसे जमा करो, मैंने पैसे जमा कर दिए। इन्होंने ब्लड मंगाया, ब्लड लेकर आए तो इन्होंने एक यूनिट ब्लड लगाया। उसके बाद रात सुबह 5 बजे उनकी डिलीवरी हो गई। उसके बाद इन्होंने आधा यूनिट ब्लड और लगाया, फिर तो उसके बाद इन्होंने वहाँ से निकाल के ला के यहाँ डाल दी। तो 1 बजे ख़त्म हो गई फिर आज दिन में। मैंने इनसे पूछा, उसके बाद भी जैसे डिलीवरी के बाद मैंने पूछा कोई दिक्कत हो तो बता दियो, हम कहीं ले जाएंगे। बच्चा पैदा हो गया है? हाँ, नॉर्मल हुआ। क्या हुआ बच्चा का? लड़का है वो, वहाँ इन्होंने रखवाया, पहले इधर मशीन में रखवाया, आने वाले मैंने इनसे पूछा डिलीवरी के बाद, मुझे अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, तो बोले एक यूनिट ब्लड और लगेगा। तो फिर इन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट कराया, मैं बोला मैं दे दूँगा, तो मेरा ब्लड ग्रुप इनसे मैच नहीं हुआ, तो बोले मैं चेंज करा दूँगा सबको। मैं बोला चलो, तो बोले अभी वैसे कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको ले चलूँगा। ब्लड के लिए कितने पैसे दिए? 8,000 रुपये। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की बात करते हैं, जहां पर लोनी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मावे से भरे ट्रक को पकड़ा और अपनी जांच शुरू कर दी। बता दें कि पुलिस ने लगभग 18 लाख रुपए का मावा और मावे से भरे 3 ट्रक पकड़े हैं। ये होली त्यौहार के दृष्टिगत मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई है। अपर मुख्य सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं जिलाधिकारी महोदया गाजियाबाद के निर्देश पर सभी टीमों को मिलावटी खाद्य पदार्थ बाजार में पहुंचने से रोकने के लिए सक्रिय किया गया था। मुखबिर खास की सूचना पर ये टीम सक्रिय थी और आज उसी क्रम में ये 3 गाड़ियां मावा की जो प्रथम दृष्टिया देखने में मिलावटी प्रतीत हो रही है। तीनों गाड़ियों में कितना माल होगा लगभग? ये लगभग 100 कुंटल बताया जा रहा है, जिसकी बाजारी कीमत 17 से 18 लाख। सर ये कहां पर ले जाते हैं इसको? ये अभी तो ये बता रहा है कि हम लोग दिल्ली ले जाते हैं। कहाँ से आया था सर ये? बागपत और कुछ मेरठ से आ रही है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।